आरकेटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां जारी। सेना के चार्टर्ड विमान व वाहनों के फ्लीट का हुआ रिहर्सल। नाविकों ने नौका संचालन पूर्ण रूप से बंद रखते हुए बैठक कर वाटर टैक्सी का किया विरोध। बीएचयू बीवोक के छात्र छात्राओं ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सेंट्रल ऑफिस का किया घेराव, जमकर किया प्रदर्शन। और राजघाट स्थित रविदास मंदिर में पूर्व प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की मनी पुण्यतिथि। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां जारी हैं। सेना के चार्टर विमान व वाहनों के फ्लीट का रिहर्सल हुआ। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री का काशी में आगमन होने वाला है। वो दो दिनों तक काशी में प्रवास करेंगे। इस दौरान वो हजारों करोड़ रुपए की सौगात काशीवासियों को देंगे। उनका कार्यक्रम वाजिदपुर में होने वाला है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री बरेका में रात्रि विश्राम करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। शासन और जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों में लगा हुआ है तथा प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री के आगमन के बाद जहां उनकी सभा होनी है, उस दौरान ड्रोन कैमरों पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। बरेका में सेना के विमान का रिहर्सल किया गया। इस दौरान वाहनों के फ्लीट का भी रिहर्सल हुआ। सुरक्षा के लिए पुलिस और पीएससी बल लगा दिए गए हैं और बरेका को सुंदर ढंग से सजाया गया है। श्रावण माह में यादव बंधुओं द्वारा होने वाले जलाभिषेक को लेकर चेतगंज थाने में बैठक संपन्न हुई। श्रावण माह में यादव बंधुओं द्वारा जलाभिषेक को लेकर अपर पुलिस उपायुक्त कार्यालय चेतगंज में एक बैठक किया गया, जिसमें चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के अध्यक्ष लालजी यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में यादव बंधुओं ने पहुंचकर प्रतिवर्ष होने वाले जलाभिषेक पर चर्चा की, जिसमें पुलिस प्रशासन व यादव बंधुओं ने सारी समस्याओं व परम्परागत तरीके से आयोजन सम्पन्न कराने पर चर्चा की। बैठक में प्रमुख रूप से पुलिस उपायुक्त जोन काशी आरएस गौतम, एसीपी अवधेश कुमार पांडे, एसीपी प्रवीण कुमार, एसीपी कोतवाली, आईपीएस चंद्रकांत मीना, अपर पुलिस उपायुक्त सहित चंद्रवंशी गोप समिति के अध्यक्ष लालजी यादव, शालिनी यादव, मनोज यादव सहित बड़ी संख्या में समिति के सदस्य शामिल रहे। सर, आज किस तरह की बैठक संपन्न हुई, क्या निर्णय निकला? सावन के प्रथम सोमवार को चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के सदस्यों के द्वारा भगवान शंकर का जलाभिषेक किया जाता है और ये सभी गोप सेवा समिति के सदस्यगण जत्थे के रूप में चल करके केदारेश्वर से अन्य मंदिरों की यात्रा करते हुए दशाश्वमेध घाट से जल लेकर के भगवान जय विश्वेश्वर मंदिर देव जी का जलाभिषेक कर और लाट भैरों पर जलाभिषेक करके अंतिम यात्रा जो है वहीं अंतिम रूप देते हैं। आज कार्यक्रम की रूपरेखा प्रातः 7 बजे चलने की बनाई गई है कि प्रातः 7 बजे चल करके और अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, अनुशासित ढंग से परंपरागत मार्ग में चलते हुए और परंपरागत मंदिरों पर जलाभिषेक करते हुए और गंतव्य लाट भैरव पर समाप्त किया जाए। इस संबंध में सुरक्षा व्यवस्था, मार्ग व्यवस्था और अन्य जो इनके सुझाव थे उन सभी पर यहाँ वार्ता की गई और सभी गोप सेवा समिति के सदस्यों ने आश्वस्त किया कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, अनुशासित ढंग से अपने कार्यक्रम को
10 जुलाई को संपन्न करेंगे और पूरा सहयोग रहेगा। मेरे द्वारा भी इनको आश्वस्त किया गया कि पूरा जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा इनको पूर्ण सहयोग दिया जाएगा और अच्छे तरीके से भव्य कार्यक्रम इनका आयोजित कराया जाएगा। पुरानी परंपरा के अनुसार ही, हाँ, पुरानी परंपरा के अनुरूप ही, क्योंकि कोरोना काल में सिंबॉलिक था, प्रतीकात्मक था और कोरोना काल समाप्त हो चुका है, इसलिए भव्य तरीके से इनके द्वारा परंपरागत रूप से आयोजित होगा। सर, यादव बंधु नियम कानून की, नियम कानून बात करें, नियम कानून कभी तोड़ देते हैं? ये गोप सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों से अभी वार्ता कर ली गई, इनके अध्यक्ष भी हैं, इनके अन्य सदस्यगण हैं, जितने भी पदाधिकारीगण हैं, पुरुष पदाधिकारीगण, महिला पदाधिकारीगण, तो सभी लोगों से वार्ता कर ली गई है और सभी ने आश्वस्त किया है और निश्चित रूप से बड़े अनुशासन के साथ में ये आएंगे और अपने कार्यक्रम को संपादित करेंगे। मैडम, आज ये यादव समाज की बैठक संपन्न हुई, तो इसमें क्या निर्णय निकला, क्या आप लोगों? देखिए, सावन में प्रथम जलाभिषेक के संबंध में हर वर्ष जो हमारी प्रशासन के साथ मीटिंग होती है, आज उसी संदर्भ में हम लोग की यात्रा सुगम हो और एक अच्छा संदेश हमारा संस्था का और यहाँ से समाज का, यादव बंधुओं का एक अच्छा संदेश सावन के पहला दिन जाए, इसके लिए आज ये मीटिंग हुई। और इसमें जैसे हर वर्ष प्रशासन के सहयोग से हम लोग अपने इस परंपरा को भली भांति बहुत अच्छे से निभाते हैं, इस बार भी एसपी साहब ने बड़े रुचि लेकर के हमारी न सिर्फ यात्रा बल्कि जो यहाँ के मंदिर हैं उनके बारे में भी उन्होंने बड़े अच्छे से विस्तार में चर्चा की और हमें आश्वस्त किया है कि इस आयोजन को जो परंपरा के अनुसार चला रहा है उसे बहुत भव्य और दोनों के सहयोग से बहुत अच्छा एक संदेश हम लोग देने का कार्य इस बार करेंगे। आज के बैठक में निर्णय निकला, आदरणीय प्रशासन के लोगों ने सारी बातों को हमारा माना और उन्होंने कहा कि आपकी जो पुरानी परंपरा है 1932 की, आपके परंपरा तरीके से चलेगा, उसी परंपरा के हम लोग चलाएंगे और जो हम लोग गर्भगृह के अंदर है, जैसा प्रशासन के अंदर हम लोग कोई बात हुआ, हम लोग 100 लोग गर्भगृह के अंदर जलाभिषेक करेंगे। और इस साल सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार के ओबीसी के चेयरमैन कैबिनेट मंत्री हंसराज अहीर साहब भी आएंगे और हमारे साथ कौरी केदारेश्वर से लाट भैरव तक हमारे साथ जलाभिषेक करने का कार्य करेंगे। लाल जी, हर एक चार बैठक होती है, आपकी समस्या होती है, समस्या पूर्ण नहीं हो पाती है, इसके लिए आप लोग विरोध भी करते प्रशासन का? ऐसा है, समस्या है तो जन्म लेवे ही करेगा, आदमी जन्म लेता है मरने के लिए, समस्या होता है पैदा होने के लिए, तो इसको कहाँ कहाँ आप देखिएगा? तो ये भाई जो समस्या ही के लिए ना हम लोग हर साल मीटिंग करते हैं, अगर एक ही साल में हम लोग की मीटिंग हो जाए हर साल, आप लोग आएँ कहाँ से? हमारे बंधु लोग कहाँ से आएंगे? आप लोग से भेंट कहाँ से होगा? हम लोग कैसे मुलाकात होगी? तो समस्या जन्म लेता है, इसीलिए हम लोग इकट्ठा होते हैं। इस साल हम लोगों को बहुत अच्छे से हम लोगों को आश्वासन मिला और उन्होंने कहा कि हमारी जो परंपरा को कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, सन 1932 की परंपरा अपने तरीके से चंद्रवंशी गोप सेवा समिति यादव बंधुओं का काशी के अंदर जो भारतवर्ष के विभिन्न कोने से आ रहे हैं उस दिन जलाभिषेक करने का कार्य करेंगे। आज मांगे जिस तरीके की आपके थी, किस तरीके की आपकी मांगे? ये हमारी मांगे थी कि जो हमारी जो एक माता का शिवाला, माता शीतला का और 9 शिवाला हमारे जो हैं बाबा भोलेनाथ, बाबा विश्वनाथ सहित, उनको जो जितनी हमारी 15 किलोमीटर तक जो बंधु चलते हैं नंगे पाँव, उनको दुरुस्त कराया जाए और हमारी जो नीलकंठ द्वार से जो हम लोग जल लेते हैं उस पर हम लोग को सही कराया जाए। और दूसरी बात, जो फ्लाईओवर कज्जाकपुरा के अंदर बड़ा बड़ी बड़ी गिट्टियाँ हों उसको दुरुस्त कराया जाए, जिनमें कि हमारे जलाभिषेक कलश यात्रा के लोग एकदम आराम से चले और उसमें प्रशासन भी सहयोग करे, प्रशासन का सहयोग हम लोग भी करने का काम। पिछली बार आपने बताया, नाविकों ने नौका संचालन पूर्ण रूप से बंद रखते हुए बैठक कर वाटर टैक्सी का विरोध किया। माँ गंगा निषादराज सेवा समिति के बैनर तले एक बैठक बुलाई गई जिसमें सभी नाविकों ने नौका संचालन को पूर्ण रूप से बंद करते हुए इस बैठक में शामिल होने पहुंचे। बैठक में शामिल नाविकों ने कहा कि हम सभी काशी के घाट पर चलाए जाने वाली वाटर टैक्सी का विरोध कर रहे हैं और इस संदर्भ में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने हमसे वार्ता
करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि हम मंडलायुक्त, जिलाधिकारी व नगर आयुक्त कार्यालय भी गए थे उनसे मुलाकात करने, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। किसी भी अधिकारी ने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि हम नाविक समाज के लोग वाटर टैक्सी का आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं। कहीं भी कोई सुनवाई न होने के चलते हम सभी नाविक समाज के लोग एक जगह एकत्रित हुए हैं और बैठक कर आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है सबका साथ और सबका विकास, लेकिन ये नाविक समाज का विनाश है। सरकार पूरी तरह से नाविकों को उजाड़ने पर आमादा हो गई है। नाविकों का कहना था कि काशी आने वाले लोगों की हम हर प्रकार से मदद करते हैं, और तो और यदि गंगा में कोई डूबता है तो उन्हें निकालने का कार्य भी हम करते हैं। हमारी नावों को लगाने का स्थान चिन्हित है, ऐसे में हमारी नावों के आगे वाटर टैक्सी का जेटी लगा दिया गया है, ये कहां तक उचित है। विरोध स्वरूप नाविकों ने यह भी कहा कि यदि सरकार नाविकों के हित में कार्य नहीं करती है तो 2024 के चुनाव में हम जवाब देने का कार्य करेंगे। वाटर टैक्सी समस्या बहुत सारी समस्या है, जिसको हम कितना अवगत कराए भी कम है। यहाँ से 80 से लेकर 84 घाट है, 84 घाट के सारे लोगों ने हम लोग नाव बंद करके संचालन बंद करके और समस्त माझी समाज की हम लोग बैठक किए हैं कि वाटर सेफ्टी का पूरी तरीके से पूर्ण रूप से विरोध करें। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि पूरे विश्व भर में आज तक कहीं वाटर टैक्सी नहीं चला हुआ है, हमारे बनारस में वाटर टैक्सी चल रहा है, जो कि हम लोग एकदम उसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग आज यहाँ उपस्थिति अपनी जाहिर किए हुए हैं। सरकार की जो नीति है, हम नाविकों के साथ जो इतना भेदभाव कर रही है सरकार, अब सरकार हम लोगों को उजाड़ने के ऊपर आमादा हो चुकी है अच्छे ढंग से, पूर्ण रूप से। अब वाटर टैक्सी सरकार हर घाटों पे चलाएगी तो हम नाविक लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ये सरकार जो है तो उसको दिख नहीं रहा है। इतनी आज 84 घाटों की नावें बंद है, हम लोग यहाँ पे सभी लोग उपस्थिति अपनी जाहिर किए हुए हैं। कम से कम ये मैसेज वहाँ तक जाना चाहिए कि हम नाविक कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, आगे हमें क्या व्यवस्थाएं दी जाएगी, समझ में नहीं आ रहा है। बीएचयू बीवोक के छात्र छात्राओं ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सेंट्रल ऑफिस का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सेंट्रल ऑफिस पर बीवोक के छात्र छात्राओं ने सेंट्रल ऑफिस का घेराव करते हुए जमकर धरना प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं का कहना है कि सेंट्रल ऑफिस पर पिछले दो दिनों से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु यहां पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहा है। छात्रों का कहना है कि हम सभी लोग बीएचयू में सबसे अधिक फीस देने वाले छात्र छात्राएं हैं। हम लोगों के सब्जेक्ट में कंप्यूटर से संबंधित प्रैक्टिकल, वाइवा और थ्योरी है, परंतु हम लोगों को अभी तक कंप्यूटर छूने तक को नहीं मिला है। हम लोगों ने प्रैक्टिकल करने के लिए जब अपने विभागाध्यक्ष से कहा तो उनका कहना है कि आप लोगों का प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही हम लोगों के सामने कई समस्याएं हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक हम लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो जाता, हम लोग सेंट्रल ऑफिस का घेराव कर धरने पर बैठे रहेंगे। छात्रों का कहना रहा कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और व्यक्तिगत आधार पर छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए छात्र संयोजक आरएस मिश्रा को तुरंत हटाना चाहते हैं। ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप प्रशिक्षण और ऑन जॉब प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जा रहा है, जो हमारे पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है और जिसके कारण छात्र सक्षम नहीं है। इस दौरान छात्र सेंट्रल ऑफिस के समक्ष डटे रहे और जमकर नारेबाजी करते नजर आए। यहाँ पर इस कोर्स के बारे में अगर आप पूछेंगे, कुछ लोग तो इस कोर्स के बारे में जानते ही नहीं है, तो मैं पहले बता दूं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक हुई थी, उसके तहत में एक एरा चला था मोदी जी के टाइम पे कि लोग मांग रहे थे कि जॉब हमको दीजिए, जॉब प्रोवाइड कराइए। तो वहाँ पर ये था कि लोग बोलते गए कि बीए किया है, बीएससी किया, उससे जॉब का क्या होगा। तो फिर उसके बाद इस कोर्स को एस्टेब्लिश किया गया कि एक कौशल, मतलब आपके अंदर कोई प्रैक्टिकल नॉलेज हो जिसके बेस पे आपको जॉब वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराया जा सके। तो इस कोर्स को यहाँ पे लॉन्च किया, यहाँ पे ये 2015 से आरजीएससी राजीव गांधी साउथ कैंपस में चल रहा था। इस कोर्स को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया न्यू 2021 में, हम उसके फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हैं। हमारी सिंपल सी ये बस मांग है कि आपने जो जो कहकर बुलाया हमें, हमसे बोला 60% प्रैक्टिकल होगा, 40% थ्योरेटिकल होगा, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगा तो हम इससे अच्छा थ्योरेटिकल पढ़ाए, बीए बीएससी या कोई अन्य रेगुलर कोर्स कर लेते हैं। हम यहाँ पर आके 40 से 58 हज़ार तक की मोटी फीस, सबकी अलग अलग फीस है, 58 हज़ार तक, 60 हज़ार तक बीएचयू जैसी संस्था में, जहाँ की 600 रुपये फीस है, 300 रुपये फीस है, वहाँ पे 58 हज़ार 60 हज़ार रुपये फीस दे के बच्चा क्या कर रहा है, सेम चीज़ की सेम पढ़ाई कर रहा है।
कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं है। वो यहाँ पे एक कंप्यूटर एप्लीकेशन नाम का कोर्स चलता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में से कंप्यूटर ही गायब है। उस बच्चे को कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होगा तो आप क्या पढ़ा रहे हैं उसको? थ्योरी बता रहे हैं कि कंप्यूटर ऐसा होता वैसा होता, मैं तो बुक भी डाउनलोड कर लूँ, यूट्यूब से पढ़ लूँ थ्योरी, प्रैक्टिकल आप बताइए हमें। यहाँ पर कॉलेज में क्यों आते हैं अगर हम बुक कॉलेज में हम क्या करने आए हैं? तो हमारे सिंपल सी डिमांड है और हमने ये इस बात का जवाब कन्वीनर से मांगा, हमारे कोऑर्डिनेटर से मांगा, हमने उनसे जाके बहुत ही विनम्रतापूर्वक लेटर लिख के उनसे ये जवाब मांगा। हम चूंकि डेढ़ सालों से मांगते आ रहे हैं लेकिन सभी छात्र मिलके इस जवाब को हमने उनसे मांगा कि आप बताइए हमारा जवाब दीजिए। वो बोलते हैं मैं तुम्हें जवाब देने के लायक नहीं समझता, मैं तुम्हारे जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ, ठीक है? ये सब उन्होंने बोला और बोला तुम लोग के कोर्स की पैदाइश गलत है। उन्होंने हमारे परवरिश तक पे सवाल उठा दिया, उन्होंने बोला कि तुम्हारी परवरिश गंदी है जो तुम हमसे ऐसे बात कर रहे हो ऐसे वगैरह करके। सबकी वीडियो क्लिप पड़ी है, हम आपको शेयर भी कर देंगे। ये हमसे हमें FIR देने की धमकी दे रहे हैं रात। आप ये एक बात बताइए, एक छात्र और एक शिक्षक के बीच का संबंध ये है कि आपको 10 बजे तक छात्र को ये बात दे कि 10 बजे तक आपको कोई दिक्कत है, 10 बजे के बाद आप किसी भी शिक्षक को फ़ोन कॉल मैसेज नहीं कर सकते हो। तो क्या शिक्षक को ये अधिकार है कि वो किसी छात्र को रात को 1 बजे 2 बजे फोन करे, मैसेज करे, हरास करे कि तुम्हारा ये करना है वो करना, ये कौन करता है? मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। एक आदमी 600 बच्चों को मेंटली टॉर्चर कर रहा है, ये आप बताइए। फीस में आप फीस रसीद आपको मैं आपको शेयर कर दूंगा साथ में, फीस रसीद में लिखा लिया जाता है रेगुलर फीस होता है 1980 रुपए है ना, 1981। उसके बाद SCS स्पेशल कोर्स के नाम पे ये हमसे फीस लेते हैं 24,000 से लेकर 58,000 की फीस लेते हैं पर सेमेस्टर, और जो कि एक सेमेस्टर 6 महीने का है। कोविड का इन्होंने बहाना दे के 2 से 3 महीने कर दिया, हमने वो भी स्वीकार किया, लेकिन आप प्रैक्टिकल नॉलेज तो हमें दीजिए जो हमें चाहिए। इंटर्नशिप ये प्रोवाइड कराते नहीं, इनके में OJT है, ऑन जॉब ट्रेनिंग। हमने इनसे कल सवाल किया कि सर ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब आपको पता ही होगा, तो ये बोल रहा है उसको गलती से लिखा अगली बार हटवा दूंगा। हाँ। मतलब ये अपना को इतना पावरफुल समझते हैं, बोलते हैं कि कुछ भी है मैं हटवा दूंगा। एक लड़के ने जाके बोला कि सर आप कब तक ये चाहते हैं, हम लोग चाहे तो बोल रहे हैं तुम लोग धरना तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है मैं एक लेटर लिखूंगा VC को, अभी इस कोर्स को यहाँ से हटवा देता हूँ, तुम लोग जो करना करना, तुम लोग जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमारी जिंदगी आप बर्बाद कर देंगे सर। हमारी मुख्य मांगे यही है कि जो RS मिश्रा जो बच्चों को एक एक बच्चों को टारगेट करके प्रताड़ित कर रहे हैं उनको हटाया जाए, हमारे फीस का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है ये भी हमें सूचना दी जाए, और स्मूथली रूप से हमारे फैकल्टी में आपको मैं एक सच्चाई बता दूं, हमें कोई भी सुविधा पढ़ाने, हमारे जो फैकल्टी टीचर्स हैं, हमारे बेसिक मांग आप समझिए, हमें अच्छी टीचर चाहिए, अच्छे टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए। आप समझिए कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो BVOC पास करके आया और हमें पढ़ा रहा है, हम ऐसे टीचर से पढ़ पाएंगे? तो हमें एक अच्छी फैकल्टी प्रोवाइड कराइए, हमें संसाधन प्रोवाइड कराइए जिसके लिए हमसे फीस लिया जा रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, OJT चाहिए। और RS मिश्रा का यहाँ पे इतने बच्चों ने डिमांड किया कि सभी को पर्सनली उन्होंने परेशान किया हुआ है, RS मिश्रा और उनके साथ एक ऐसे उपाध्याय करके हैं, उन लोगों ने पर्सनली हरास किया बच्चों को, उनको इस्तीफा दे, वो हटे एडमिनिस्ट्रेशन से, वो हटे, हमारी यही मांग है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांची पीठाधीश्वर स्वामी शंकर विजेंद्र सरस्वती के प्रथम आगमन पर उनका भव्य स्वागत कर शोभा यात्रा निकाली गई। कांची पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी शंकर विजेंद्र सरस्वती के प्रथम नगर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर महमूरगंज स्थित रमन निवास में भक्त उनके इंतजार में बैठे थे। जैसे ही शंकराचार्य प्रयागराज से सड़क मार्ग द्वारा यहां पहुंचे तो चारों ओर से हर हर महादेव की गूंज होने लगी। पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, नगर प्रमुख अशोक तिवारी, भाजपा नेता धर्मेन्द्र सिंह, शांति रमन, लक्ष्मी रमन इत्यादि लोगों ने पादुका पूजन किया। यहां विश्वनाथ मंदिर के न्यास के सदस्य वेंकट रमन धनपाठी ने उन्हें पूर्ण कुंभ भेंट किया। इसके बाद शोभा यात्रा के साथ शंकराचार्य ने शिवाला घाट स्थित चेत सिंह किला के लिए प्रस्थान किया। भव्य विशाल शोभा यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। डमरू के निनाद, शंख ध्वनि और जयकारों से वातावरण गूंज रहा था। बटुक वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे तो वहीं महिला व पुरुष भजन कीर्तन करते चल रहे थे। देवी देवताओं की झांकियां और पूर्व शंकराचार्यों के चित्र बरबस ही लोगों को नतमस्तक कर रही थी। शोभा यात्रा मार्ग पर जगह जगह भक्तों ने शंकराचार्य पर पुष्प वर्षा की और आरती उतारी। शोभा यात्रा, रथयात्रा, लक्सा, गुदौली
कौशल्या मदनपुरा हनुमान फाटक होते हुए चेत सिंह किला पहुंची, जहां पर कुंवर अनंत नारायण सिंह और उनके पुत्र प्रद्युमन नारायण सिंह ने शंकराचार्य की आगवानी की और उसके बाद पादुका पूजन किया। इस मौके पर स्थानीय कांची मठ के वीएस सुब्रमण्यम भी मौजूद रहे। आज का दिन काशी के लिए एक बहुत गौरव का दिन है। आज के दिन जो है काशी कामकोटी पीठ के शंकराचार्य काशी में आए हैं। ये आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है, धार्मिक है और पुरातन धर्म के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ये शोभा यात्रा जो है रेमन निवास मामूगंज से चलकर रथ यात्रा बदौलिया मदनपुरा गुलाबपुरा होते हुए चेत सिंह किला तक जाएगा। सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के उत्थान के लिए, लोग सम्मान के लिए, लोग कल्याण के लिए। राजघाट स्थित रविदास मंदिर में पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि मनाई गई। राजघाट स्थित रविदास मंदिर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं राजनेता बाबू जगजीवन राम की 37वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बाबू जगजीवन राम अमर रहे के उद्घोष के साथ लोगों ने उन्हें नमन किया। सभी उपस्थित लोगों ने पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रबंधक सतीश कुमार महंत, भारत भूषण चौधरी राम, बबलू पटेल सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जब सूरज चांद रहेगा बाबू जी का नाम रहेगा। बाबू जगजीवन राम अमर रहे। बाबू जगजीवन राम अमर रहे। आज बाबू जगजीवन राम जो संस्थापक गुरु रविदास मंदिर राजघाट का पुण्यतिथि 37वां पुण्यतिथि है, उसी उपलक्ष्य में हम सभी वरिष्ठ नागरिक, सभ्य नागरिक, सज्जन नागरिक आए हैं। इसमें से बहुत ऐसे लोग हैं जो बाबू जी को पर्सनली जानते हैं, उनके साथ ही ये मंदिर बनाने में सहयोग किया। ऐसे लोग जैसे लाला राम किशन गुप्ता और चौथी राम जी, ये लोग और प्रोफेसर विजय प्रताप सिंह जी और हमारे आदरणीय महंत भारत भूषण जी, इनके पिताजी तो बाबू जी के बड़े करीब रहे हैं और उनके कदम में कदम मिला करके चलते रहे हैं। इस मंदिर को बनाने में इनका पिताजी का भी बहुत योगदान है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पे? आज हम यही कहना चाहेंगे कि देश में बाबू जी ने बड़े बड़े काम किए और उनका जो बड़ा आदमी होता है उनकी सोच और समझ, उनका मिशन भी बहुत बड़ा होता है। उनके मिशन को पूरा करने में कई सदियां लग जाती है, तो अभी तो हम लोग जो है उनके बाद के जनरेशन है, हम लोग भी इसी में लगे हुए हैं कि उनका एम्बिशन, उनकी जो मिशन आगे पूरा करें। ऑटो चालकों ने व्यापार मंडल की महिला अध्यक्ष पर उनसे अवैध वसूली व शोषण का आरोप लगाया। व्यापार मंडल की महिला अध्यक्ष की टीम अब बनारस में ऑटो चालकों पर भी शोषण कर रही है। ऑटो चालक यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि हर 4 घंटे पर 10 रूपये की पर्ची काटी जाती है। वह इस तरह से ऑटो चालकों से 24 घंटे के अंदर
60 रूपए की वसूली व्यापार मंडल की पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है, जबकि नगर निगम द्वारा ऑटो स्टैंड का ठेका जिस ठेकेदार ने लिया है वो बार बार व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को मना कर रहे हैं, लेकिन पदाधिकारी कहती हैं हट जाओ नहीं तो छेड़खानी के मामले में तुम्हें फंसा देंगे। वहीं ऑटो चालकों ने बताया कि पहले ये पर्ची नगर निगम द्वारा कटती थी, लेकिन अब इन महिलाओं द्वारा जबरदस्ती दिन भर में प्रत्येक 4 घंटे पर हम लोगों का 10 रूपये का पर्ची काटा जा रहा है और विरोध करने पर व्यापार मंडल की महिलाओं के साथ उनकी टीम हम लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करती हैं और मारपीट करने पर उतारू हो जाती हैं। नहीं चलेगी गुंडों के बल पे ठेकेदारी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। चालक यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे चालकों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे चालकों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। बनारस में जब सड़क पे स्टैंड का ठीका मिला तो स्टैंड टू स्टैंड चलने का, एक बनारस में एक रसीद कटेगी। कितनी परमिट है? 5700 परमिट है। 5700 से कम ही चल रही है, क्योंकि बनारस की आबादी के हिसाब से इसका क्षेत्रफल मात्र 15 किलोमीटर का है। मगर टोटल वो काफी है, जाम उससे लगती है। बनारस में जाम अधिकारियों की देन है, कहीं वेंडर को खड़ा कर देंगे, कहीं ऑटो स्टैंड को खड़ा कर देंगे, लेकिन स्टैंड के नाम पे इनके पास कहीं जमीन नहीं है, सिर्फ पैसा लेने के लिए इन्होंने स्टैंड बनाया है। कागज पे स्टैंड है, सड़क पे कोई स्टैंड नहीं है इनके पास। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आवाहन के पश्चात शिव भक्तों द्वारा श्री विद्या मठ में शिवलिंग समर्पित किया जा रहा है। पिछले वर्ष ज्ञानवापी में प्रकट हुए आदि विशेश्वर का अभी तक पूजन अर्चन भोग शुरू नहीं किए जाने से मर्माहत ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने सनातन धर्मियों से श्रावण मास में 11 लाख शिवलिंग देने का आह्वान किया था। सनातन धर्मियों द्वारा समर्पित 11 लाख शिवलिंग को काशी में स्थापित कर उस पर प्रकट हुए आदि विशेश्वर की प्रतीक पूजा की जाएगी। शंकराचार्य महाराज के आह्वान को भगवान शिव का आदेश मानते हुए शिव भक्तों ने शिवलिंग समर्पित करना प्रारंभ कर दिया है। ये जानकारी देते हुए शंकराचार्य महाराज के मीडिया प्रभारी संजय पांडे ने बताया कि शंकराचार्य जी महाराज के आह्वान का पालन करते हुए शंकराचार्य घाट स्थित श्री विद्या मठ में शिव भक्तों ने शिवलिंग समर्पित करना प्रारंभ कर दिया है। उसी क्रम में आज सैकड़ों लोगों ने श्रावण मास में सामूहिक रूप से शिवलिंग समर्पित कर खुद को धन्य महसूस किया और शिवलिंग समर्पण के पश्चात शिव भक्तों ने अभी तक प्रकट हुए आदि विशेश्वर का पूजन अर्चन राग भोग की व्यवस्था न शुरू होने पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि 100 करोड़ से अधिक सनातन धर्मियों के परमाराध्य भगवान आदि विशेश्वर का प्रकट होने के बाद भी 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद अभी तक पूजन अर्चन न शुरू हो पाना अत्यंत दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोग को जैसा मालूम है कि पिछले वर्ष ज्ञानवापी में आदि विशेश्वर भगवान प्रकट हुए थे और उस समय उनका पूजन अर्चन करने जा रहे थे जो वर्तमान ज्योतिष पीठाधीश्वर हैं जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, तो प्रशासन ने उनको रोक दिया था। तो उन्होंने अपना यही श्री विद्या मठ में पूजन न करने देने के विरोध में जलत्याग तपस्या शुरू कर दिया था और भीषण गर्मी में 108 घंटे तक जलत्याग तपस्या किया था और उनके स्वास्थ्य पर और प्राण पर संकट उत्पन्न हो गया। तो उस समय ब्रह्मलीन स्वरूपानंद जी महाराज जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं वो उपस्थित थे, उन्होंने शंकराचार्य जी वर्तमान महाराज को आदेश दिया कि आप अपना जलत्याग तपस्या समाप्त करिए और प्रतीक पूजन करिए। तो गुरु आज्ञा को मानकर जो वर्तमान ज्योतिष पीठाधीश्वर जी महाराज हैं उन्होंने अपने जलत्याग तपस्या को समाप्त कर दिया और प्रतीक पूजा किया और देश में समस्त सनातन धर्मियों से आह्वान किया कि आप लोग अपने से जो नज़दीक शिव मंदिर है वहाँ पर जाकर आदि विश्वेश्वर भगवान का प्रतीक पूजन करिए। तो उस समय 11 लाख लोगों ने अपने नज़दीक के शिव मंदिर में प्रतीक पूजा किया आदि विश्वेश्वर भगवान का और पूजा से संबंधित वीडियो और फोटो महाराज जी को भेजा। अभी 1 वर्ष बीत चुका है आदि विश्वेश्वर भगवान को प्रकट हुए, लेकिन अभी तक उनका पूजन अर्चन भोग राग शुरू नहीं किया जा सकता है, जिससे महाराज जी जो है इस बार क्षुब्ध होकर मर्माहत होकर समस्त सनातन धर्मियों से आह्वान किए हैं कि सब लोग एक एक शिवलिंग दीजिए और वो एक एक शिवलिंग 11 लाख सनातन धर्मी जब देंगे तो 11 लाख शिवलिंग को काशी में स्थापित किया जाएगा और उस पर आदि विश्वेश्वर भगवान का प्रतीक पूजन किया जाएगा। उसी क्रम में आज हम समस्त लोग सावण मास में
शिवलिंग को यहाँ पर समर्पित किए हैं और अब यह क्रम शुरू हो जाएगा और पूरे सावन मास में मिलाकर 11 लाख शिवलिंग यहाँ श्री विद्यामठ में सनातन धर्मी आकर समर्पित करेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां जारी, सेना के चार्टर्ड विमान व वाहनों के फ्लीट का हुआ रिहर्सल। नाविकों ने नौका संचालन पूर्ण रूप से बंद रखते हुए बैठक कर वाटर टैक्सी का किया विरोध। बीएचयू बीवोक के छात्र छात्राओं ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सेंट्रल ऑफिस का किया घेराव, जमकर किया प्रदर्शन। और राजघाट स्थित रविदास मंदिर में पूर्व प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की मनी पुण्यतिथि। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।